सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। अपने ससुर की जबरदस्ती और छेड़छाड़ की शिकायत करना एक मुस्लिम महिला को इतना महंगा पड़ा कि उसकी मदद करने की बजाय उसे उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। खबर हरियाणा के जिला यमुनानगर से है, जहां एक बार फिर से 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। 3 तलाक से पीड़ित महिला ने अपने ससुर, पति और देवर के खिलाफ SP यमुनानगर को अपने साथ हुए अत्याचारों और जीवन बर्बाद करने वाले 3 तलाक की शिकायत दी है। वहीं SP यमुनानगर ने इस 3 तलाक के मामले की जांच यमुनानगर नगर के महिला थाना प्रभारी को सौंपी है। वहीं महिला थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास एक महिला द्वारा दी गई शिकायत आई है, जिस पर वो जांच कर रही हैं। और महिला ने एक दिन का समय मांगा है। इसमें जो भी सच्चाई होगी, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सास की मौत के बाद ससुर बहू पर गलत निगाह रखने लगा। एक दिन वो कमरे में घुस गया और जबरदस्ती करने लगा। जबरन वो बहू को संबंध बनाने के लिए कहने लगा, जिसके बाद उस पीड़ित महिला ने SP कुलदीप यादव से गुहार लगाई। SP को दी शिकायत में यमुनानगर निवासी पीड़िता ने कहा, 15 जनवरी 2005 को उसका निकाह जगाधरी के युवक से हुआ। पिता ने हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया, इसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए। उसकी एक बेटी और बेटा है। निकाह के करीब 2 साल बाद उसके ससुर ने उस पर गलत नीयत रखते हुए जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। जब इस बारे में पति को बताया तो उसने उसका ही कसूर निकाल दिया। महिला के मुताबिक जब सास को बात बताई तो उसने भी यकीन नहीं किया। इसके बाद उसे घर से निकालकर चौबारे पर बने टीन के छप्पर में भेज दिया गया, जिसमें ना तो दरवाजा था और ना ही दीवार थी। पति के काम पर जाने के बाद ससुर ताक झाक करता था। उसने माता पिता को इस बारे में बताया तो वो उसे अपने साथ ले गए। बाद में बिरादरी पंचायत में ससुरालियों ने गलती मानी और वो वापस आ गए। पीड़िता के मुताबिक सास की मृत्यु के बाद ससुर उसके कमरे में आया और जबरदस्ती करने लगा। कहने लगा कि 50 गज का प्लॉट उसके नाम करा देगा और खर्च भी उठाएगा यदि वो उसकी बात मान जाए तो। पति को इस बारे में पता नहीं लगेगा। हमारे पास कंप्लेन प्राप्त हुई है, आज उन्होंने SP ऑफिस में ली थी, तो हमारे पास जांच के लिए आई है। तो हमने लड़के को बुलाया था, तो लड़की ने अपने ससुर, देवर और पति पे एलिगेशन लगाए हैं। पति पर अपने दहेज मांगने और ससुर और देवर पर छेड़खानी के आरोप है, तो इसकी जांच चल रही है सर। वो कल तक का अपने फैमिली मेंबर्स को बुला के लेके आएगी। वो कह रही थी कि उसमें बातचीत के लिए टाइम चाहिए, तो हम उसमें कल तक के लिए टाइम दिया है उसमें। जी, कंप्लेन में तो ये मेंशन है। अभी इसके बारे में सर DDA साहब से भी ओपिनियन ली जाएगी, तो जो भी अगली कार्रवाई होगी वो जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर एक्चुअली लड़की कह रही है कि भाई उसने उसके ससुर ने छेड़खानी की है, तो उसने उसके बाद अपने पति पे शिकायत की इस बारे, तो उसके पति ने उसको 3 तलाक बोला है। तो ये अभी जांच की जा रही है सर, उनको दूसरे पक्ष को भी बुलाया है, तो अभी जो भी सामने आएगा वैसे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।